अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लानट। खुश आमदीद आज की वीडियो में। आज ये बच्चे जो हैं ये सेपरेट करने हैं और इनकी जो ना पटाई होनी शुरू हो गई है, अच्छी खासी इनकी धुलाई हो रही है अपने माँ बाप से और इनकी ना प्लकिंग स्टार्ट हो गई है। ये बच्चों को ना इन्होंने मार मार के इनको गंजा करना शुरू कर दिया। पकड़ते हैं बच्चा और चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है बच्चों की। तो इनके पर दोबारा आने शुरू हो गए। ये देखें बच्चों की ना सूरत हाल कुछ ऐसी है। माँ बाप ने जोन सा जी इनके पर जोन से ना वो खींचना शुरू कर दिए हैं। टेल के भी खींचे हुए हैं और इसकी बैक साइड के भी खींचे हुए हैं। इनको सेपरेट करना ज़रूरी है वरना इन्होंने इसकी इनको जोन से ना मारना है। इनको बच्चों को छोड़ते हैं जी फ्लाई केज में। सेल्फ फीड पर तकरीबन आ चुके हुए हैं बच्चे, तो इनको यहाँ पर छोड़ते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी फ्लाई केज है और इसमें मिक्स म्यूटेशंस के जो होते हैं वो बर्ड माशाल्लाह कुछ तो वॉश हो गए हैं काफ़ी हद तक। जो होते हैं बर्ड वॉश वाइट ब्लैक के पीस हैं, ब्लैक फेस ब्लैक शिक है, ब्लैक फेस ब्लैक शिक वाइट है, वाइट टू भी है और भी काफ़ी सारे हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट का टू बी एन जी टू बी है तो माशाल्लाह इधर भी सिलसिला जो है वो बच्चों का निकलने का जारी है। मुख्तलिफ बॉक्सेस में से माशाल्लाह बच्चे बाहर आने शुरू हो गए हैं। ये देखें ये मैंने फोस्टर किया हुआ था एग्जीबिशन साइज़ टू बी और एक नॉर्मल है बच्चा। ये लाइट बैग टू बी के पीस हैं। इसके अंदर एक और बेंगलाइज का पीस था। ये देखें ये माशाल्लाह से ये इस पेयर का बच्चा है ये माशाल्लाह। तो इधर भी जो उनका है वो इधर भी बच्चे हैं माशाल्लाह। ये देखें तो ये बच्चों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। बच्चे निकल रहे हैं यहाँ पर भी बच्चे कुछ जैसे बॉक्स से बाहर आ चुके हैं लेकिन अभी ये जो है सेल्फ फीड पर नहीं आए बच्चे। तो यहाँ पर भी निकले हुए बच्चे। ये आउल का पेयर है माशाल्लाह से फॉन आउल। इसने जी एग ले कर दिए थे 30 तारीख को, इसने एग ले कर दिए हुए हैं माशाल्लाह से। फॉन की फीमेल जो है वो इनको ब्रीड कर रही है अंडे। ये बच्चे निकले हुए हैं और यहाँ पर जी मेल जो है वो इनको ब्रीड कर रहा है अंडे और यहाँ पर भी बच्चे मैंने जो उनसे वो मिक्स कर दिए हुए थे। बॉक्स जो उनसे ना वो डेली बेसिस पे चेक करना चाहिए क्योंकि बॉक्स होता है इस तरह के बच्चे ना अक्सर उस साइड पे चले जाते हैं। जो उस साइड पे रेड के चला जाता है बच्चा उसको जो उनसे वो फिंच फिर वो नहीं करवाती, फीड नहीं करवाती और वो बच्चा मर जाता है सर्दी से। ये देखें माशाल्लाह से ये 3 बच्चे हैं और यहाँ पर बच्चे जो उनसे हैं जी वो इन म्यूटेशन के हैं, वाइट ब्लैक चिक के हैं और ऑरेंज के बच्चे हैं। यहाँ पर एक मेरे ख्याल से वाइट ब्लैक चिक का होगा, नहीं 2 वाइट ब्लैक चिक के और एक जो है जी ऑरेंज का बच्चा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर जी आउल के बच्चे हैं, आउल के बच्चे माशाल्लाह से। यहाँ पर 2 बच्चे निकल आए हुए हैं और 3 अभी अंडे जो है वो पके हुए हैं। यहाँ पर भी आउल के बच्चे हैं। यहाँ पर एक आउल का पेयर है लेकिन अभी तक इसने कोई अंडा नहीं दिया। चेक कर लेते हैं, कल तक तो नहीं था दिया हुआ, अंडा नहीं है अभी लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पर भी आ जाएगा। और यहाँ पर वाइट ब्लैक चिक का न्यू पेयर लगाया था। यहाँ पर भी बेंगलाइज के बच्चे हैं, तार से बांधे हुए हैं बहुत सारा। और ये मैंने फोस्टर किए थे कुछ बच्चे, ये वो हैं, ये वाइट ब्लैक चिक के बच्चे हैं। यहाँ माशाल्लाह एगलिंग आई हुई है। ये बच्चा जो उनसे है जी, ये मेरा वो वाला पेयर है जो मैंने ट्रेन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो देखें बच्चे जिनका वेंट एरिया मैंने ट्रेन किया था ये वो वाले पेयर की प्रोग्रेस है माशाल्लाह से। 4 से 5 बच्चे होंगे इसके अंदर, हाँ तकरीबन। ये देखें जी 3 ये हैं, एक ये इधर राइट साइड पर कॉर्नर में लग कर बैठा हुआ है और एक ये है, 5 बच्चे माशाल्लाह। इधर एगलिंग आ रही है, इधर भी एगलिंग आ रही है,
ये मैंने न्यू पेयर अप किया है। इधर माशाल्लाह से बच्चे पल रहे हैं, ये देखें आपको भी बच्चा नज़र आएगा, ये देखें बच्चा ऊपर बैठा हुआ है। इधर वर्किंग का पेयर लगा हुआ है, एग लेइंग है। इधर जी वाइट बंगला, इसके नीचे फोस्टर है बच्चे, और यहाँ पर भी एग लेइंग है, यहाँ पर भी एग लेइंग है, ये देखो। और यहाँ पर बंगलाइज के पाँच या छः बच्चे माशाल्लाह से अपने घोंसले से बाहर आ गए हैं। ये मैंने नया पेयर लगाया है, ये मेल अकेला है। यहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पेस्टल गंदे फेरे थे, और क्योंकि केज बहुत लास्ट वाला है, यहाँ पे मुझे भी ज़रा वीडियो मतलब क्लियर नज़र आ गया था कि क्या क्या निकला हुआ है। यहाँ पर पांच अंडे मैंने रखे थे और माशाल्लाह से पांच के पांच ही बच्चे निकले हुए हैं, और पेस्टल के बच्चे हैं जी, ये पेस्टल ब्लैक के इसके बच्चे हैं, ब्लैक की फीमेल के साथ। और माशाल्लाह से ये दो तो इजाबल टाइप लग रहे हैं, एक पेस्टल है और दो हैं जी वाइट कॉमन। ये अब डब्ल्यू चेस्टर ब्लैक वाइट बच्चे हैं, दो हैं जी इजाबल टाइप बच्चे। मज़ीद ये थोड़े से बड़े होंगे फिर पता चलेगा, एक पेस्टल है, लेकिन ब्लैक फेस इसमें से कोई भी नहीं आया। इनके माँ बाप अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पोस्टर है, ये भी पोस्टर है फॉर्म का। इधर माशाल्लाह से इधर क्या है जी, इधर चेक करते हैं, इधर भी बच्चे निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगला बॉक्स चेक करते हैं, यहाँ पर भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाइट ब्लैक के बच्चे हैं जी। और ये पेयर माशाल्लाह से इतना कमाल का है मेरा, अगर ये पांच बच्चे देता तो इसमें से चार क्रस्ट देता ये बच्चे, ये माशाल्लाह से इतना कमाल का पेयर है मेरा, क्वालिटी माशाल्लाह। और बहुत डार्क पैच में निकालता है। इधर मैंने रखे थे अंडे, इधर रखे थे एनजी ऑरेंज के अंडे, ऑरेंज के अंडे रखे हुए थे। इधर चेक करते हैं इधर से बच्चा निकला कि नहीं जी, अभी तक पहले निकला जी। और इधर रखा था ब्लैक से ब्लैक रस्ट ऑरेंज और वाइट ब्लैक जी, बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह। इधर वाइट ब्लैक जी के बच्चे थे और काफ़ी दिन हो गए मैंने इसको चेक नहीं किया, ऐसे ही चेक कर लेते हैं, मुझे तो नज़र नहीं आएगा, वीडियो बाद में देखनी पड़ेगी मुझे कुछ। ये वाइट ब्लैक चिक थी और यहाँ पर था वाइट बंगलाइज, वाइट बंगलाइज को भी नज़र मार लें ताकि पता चलता रहता है, बड़े दिन हो गया देखे नहीं हो गए। तो वो जो पांच बच्चे निकले हुए हैं जी, वो इसके बच्चे हैं माशाल्लाह इस पेयर के। ये ब्लैक फेस का है मेल और ये फीमेल है, ये देखें जी माशाल्लाह। अभी इसके अपने नीचे भी निकले हुए हैं, वो भी चेक कर लेते हैं साथ ही, क्योंकि अब लगते हाथ। चेक करते हैं इसके नीचे कितने बच्चे निकले हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे निकले हैं जी चार, अंडे इसमें दिए हुए थे पांच, लेकिन बच्चे निकले हैं चार। चेक कर लेते हैं नीचे, कोई बच्चा नीचे आके मर ना गया हो इसके। अच्छा एक और चीज़ जो सी है ना, अब ये देखें जैसे ये जगह जो सी है ना, ये बहुत थोड़ी सी है, इतनी सी जगह है जिसके अंदर चार बच्चे हैं, ठीक है। अब इस जगह को ना बड़ा करना है, ये मुझे लग रहा है कि जैसे ये बच्चा ब्लैक फेस बनेगा, बाकी देखते हैं अल्लाह पाक खैर करेंगे। हैं भी पेस्टल बच्चे माशाल्लाह, पहले बच्चे तो पेस्टल नहीं बनाए इन्होंने, लेकिन इनकी उम्मीद। अच्छा ये जो जगह जो सी है ना, ये जी हाथ मार के ना बड़ी करनी है, इधर आओ किधर जा रहे हो, ये देखें ये हाथ से ऐसे आपने ना दबानी है और ये जगह बड़ी हो जाएगी। इनकी आदत होती है नुकरों में घुसने की। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये बच्चा जो सा जी पाइड आया, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ये ब्लैक फेस बन गया, मुझे उम्मीद तो बड़ी है, लग तो रहा है कि ये ब्लैक फेस बनेगा, इसका जो
पैटर्न नज़र आ रहा है ना मुझे, उम्मीद है ये ब्लैक फेस बने, और ब्लैक फेस बना तो इंशाल्लाह एक नई म्यूटेशन जो उनसे ना वो रेयर म्यूटेशन बनेगी, न्यू तो नहीं कह सकते, रेयर बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का उतना कम है। अल्लाह ताला सब भाइयों के कारोबार में और ब्रीड में बरकत दें। तो ये थी जी आज की अपडेट, इसी बहाने जी मैंने भी चेक कर लिया सारा अपना सेटअप, इधर अंडे आए हुए हैं, ये भी पेयर नहीं हुआ है, ये ब्लैक फेस की फीमेल है वाइट में, और ये भी नया पेयर लगाया हुआ है, स्प्लिट का मेल है और टूबी की फीमेल है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप दोस्तों को मिल सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।